हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एक मैगी का रिव्यू। मैं गई थी मार्केट तो वहां मुझे दिखी ये स्पेशल मसाला स्पाइसी मैगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मैगी को ट्राई किया जाए और आप लोगों से इसका रिव्यू शेयर किया जाए। तो आप भी मुझे बताइएगा कि क्या आपके यहाँ पे ये फ्लेवर आया है, और अगर आया है तो क्या आपने इसको टेस्ट किया है। तो ये देखिए, इसका कलर और टेक्सचर बिल्कुल मैगी से डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो थोड़ी सी लाइट होती है, ये डार्क है, और इसके अंदर काफ़ी सारे स्पाइसेस हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन से स्पाइसेस इसके अंदर डले हुए हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया और टेम्पटिंग सी हमारी मैगी लग रही है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस स्पाइसी मैगी को। तो ये है मेरे पास मैगी के दो पैकेट, जो कि है स्पेशल मसाला स्पाइसी मैगी। तो इसके अंदर जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर दिखाया हुआ है, काली मिर्च है, जीरा है, लौंग है, और इसके साथ साथ सूखी हुई लाल मिर्च है, और काफ़ी सारे स्पाइसेस और भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। और यहाँ पे सिटी भी लिखी गई हैं कि जैसे तेलंगाना की है, ये है आपकी कर्नाटका की, और सारे इंग्रेडिएंट इस पे लिखे हुए हैं। और इसके प्राइस की बात करें तो 20 रुपीज़ की है, और जो हमारी नॉर्मल मैगी आती है वो आती है 14 रुपीज़ की। तो आज ट्राई करते हैं ये वाली मैगी। तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया है पैन, और इसके अंदर डाल दिया है पानी। तो 2 से 3 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी, और पानी जैसे ही हमारा बॉयल होगा हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी मैगी। मैगी बनाना तो सभी को आता है, तो ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचेंगे, बस इसका टेस्ट आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके का टेस्ट इसका हमारा आया है। तो यहाँ पे जो पानी हमारा है बॉयल हो गया है, अब इसके अंदर हम अपनी डाल देंगे मैगी। तो यहाँ पे मैगी को मैंने कर लिया है कट और इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ज़्यादा हम इसको तोड़ेंगे नहीं, अगर आप चाहें तो बिल्कुल चूरा करके मैगी को डाल सकते हैं, लेकिन मेरे को जो मैगी है लंबी लंबी ही पसंद है, तो मैं इसको बस 2 पीसेज में डिवाइड कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए ये है मसाला। तो इस मसाले की जो पैकिंग है नॉर्मल मसाले से थोड़ी सी अलग है, इस पे मसाले के थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं जो भी इसके अंदर हैं। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इस मसाले को कि कैसा ये दिखता है और क्या क्या इसके अंदर स्पाइसेस हैं। तो मैंने एक पैकेट कट कर लिया है, तो इसके अंदर मुझे अभी थोड़े बहुत चिली फ्लेक के पीसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और जो इसका कलर है नॉर्मल मैगी मसाले से भी थोड़ा सा डार्क है। और टेस्ट की बात मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसा इसका टेस्ट था। तो यहाँ पे मैगी हमारी देखिए बॉयल हो गई है, तो इसके अंदर अब हम अपना मसाला ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मसाले को बिना टेस्ट किए ऐड करना तो एक तरह का पाप होता है, तो मसाले को मैंने कर लिया टेस्ट, और ये जो मसाला है थोड़ा सा मुझे स्पाइसी लग रहा है। तो अब मैंने इसके अंदर कर दिया है इसको मिक्स, और बस अच्छे से इसको मिक्स करेंगे जब तक कि ये मैगी जो है पूरे मसाले को एब्जॉर्ब नहीं कर लेती और पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, और मैगी का कलर भी देखिए हल्का सा येलोइश कलर आ गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू इस समय आ रही है, इसके अंदर काफ़ी सारे स्पाइसेस डले हुए हैं, जैसे कि रेड चिली डली हुई है, टर्मरिक ऑलरेडी डला हुआ है, जीरे का फ्लेवर है, और धनिया मसाले का भी फ्लेवर इसके अंदर है। तो बस देखिए रेडी हो गई है हमारी मैगी। तो अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ और टेस्ट जो है इसका आपको बताती हूँ कि कैसा आया था। तो यहाँ पे देखिए सर्व कर दिया है मैंने मैगी, और बहुत ही बढ़िया सा इसका येलो कलर आया है, और देखने में तो स्पाइसी लग रही है। खाने में कैसी है मैं आपको अभी टेस्ट करके बताती हूँ। ये तो यहाँ पे देखिए हमारी मैगी रेडी हो गई है, और अब इसको कर लेते हैं टेस्ट। तो टेस्ट की बात करें तो मुझे तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगा, बस हल्का सा नमक की कमी लगी थी, और जैसे कि इसके अंदर लिखा है स्पेशल स्पाइसी मैगी मसाला, तो बहुत ही बढ़िया इसके अंदर मसाला था। टेस्ट में मैं तो इसको 10 में से 8% देने वाली हूँ। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपने ये मैगी ट्राई की है तो आप लोगों को कैसा इसका फ्लेवर लगा। मुझे तो इसका टेस्ट अच्छा ही लगा। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए, और मेरी वीडियोज़ को इन्जॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।